तो ये है मेरी प्यारी जान R15 V6 और इसका आप स्ट्रोक वाला वाइजर आप देख सकते हैं। इतना छोटा भी है और अच्छा भी इसमें लगता है, बट मैंने आज स्पेशल इसके लिए डबल वाइजर वाइजर मंगवाया है, वो भी अमेजन से मंगाया है, वर्ल्ड का है। तो अभी हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको लगा के भी देखेंगे कि वो इस पर कैसा लगेगा और अभी पहले कैसे लग रही है और लगाने के बाद कैसी लुक देगी। तो इसमें आप ज़रूर बताएं कि ऐसे अच्छी लग रही थी कि बबल वाइजर को लगाने के बाद अच्छी लगेगी, तो मेरे को ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए ये अभी हम इसका करते हैं अनबॉक्सिंग, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये है हमारा जो बॉक्स जो अमेज़न ने हमें भेजा बबल वाइजर के लिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको मैंने खोला पहले, तभी अब इसको निकालते हैं कि इसमें ये कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये आपका ब्लैक में है, डार्क ब्लैक में आप देख सकते हैं। और ये इसके साथ कुछ ये है, तो अभी तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं है और काफ़ी बड़ा भी नहीं है, ये इतना मीडियम साइज़ का। बाकी इसकी आप मोटाई देख सकते हैं, काफ़ी मोटा है और अच्छा फिट एंड फिनिशिंग भी है, पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट है। बाकी जो ये लगेगा ये यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे, यहाँ से ये ऐसे होगा, तो देखेंगे क्या लुक आती है इसकी पूरी कंप्लीट ब्लैक वाली। तो अभी अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं, बट पहले मैं इसकी क्वालिटी के बारे में आपको थोड़ा फीडबैक दे दूँगा इस कि ये काफ़ी मोटा है, जितना आपका स्ट्रोक वाला है उतना मोटा है ये, और काफ़ी अच्छा भी है, फ्लेक्सीबल भी है। और मेरे को लगा कि शायद काफ़ी पतला होगा, बट ये काफ़ी अच्छा है। मैं इसके प्राइस की बात बता दूँ, ये मेरे को अमेजोन से लिंक पड़ा है, मेरे ऊपर को पड़ा 780 रुपये का गाइस, इतने 780 रुपये का इसका प्राइस है। आप अगर इसको लेना चाहेंगे तो इसका लेने का मैं आपको स्पेशल आपका लिंक जो है अमेज़न का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर जाके आप इसको ले सकते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है और इसको लगा के भी देखेंगे कि ये जो इसके पॉइंट्स दिए गए हैं ये बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे। तो ये अभी मैं इसकी फीडबैक थोड़ी देर में आपको देता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए जो हमें स्पेशल ज़रूरत पड़ी है पड़ेगी आपके एक एलन की और ये आपका ये की स्क्रू। और ये जो एलन की है आपको गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी, ये वाला जो आपका सबसे बेस्ट जो मोबाइल होल्डर R15 के लिए है, इसकी वीडियो जल्दी मैं आपको लेके आऊँगा, इसके लिए इसी के साथ में लेके आता है। इसको फिट यहाँ से हम इसको करते हैं तो यही आपका काम में आ जाएगा आपको इस वाइजर को खोलने के लिए भी। तो इसको अगर आपको लेना है इसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी मैं आपको डाल दूँगा, बट अभी फ़िलहाल इसको हम इंस्टॉल करने के बारे में आपको बताता है कि हमने सबसे पहले इसको करना क्या है और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये जो चार स्क्रू है आप ये खुलेंगे आपके इस स्क्रू से, और ये आपको इस एलन की से खोलना पड़ेगा। बट पहले हम इसको ये स्क्रू खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुद भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप ऐसे निकल गया, आप देख सकते हैं, तो ये किसका निकल गया, इसको भी रख लेते हैं यहाँ बढ़िया जगह पर। फिर ये दूसरे वाला, इसको भी रख देते हैं। ये आप देख सकते हैं जो पीछे वाला ट्रैक्टर गुजरते हुए गाइस, हमारे अनबॉक्सिंग का ये स्पेशल स्थान है, यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक आता है बट कभी कभी आ जाता है। तो ये भी हमने रख दिया यहाँ पे, और ये वाला, इसको खोलने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ से निकल ही चुका है, अब है बारी इन चार स्क्रू को हमें खोलना पड़ेगा। बट इसको खोलने के लिए हमें, मैंने कहा कि हमें ये एलन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें देख सकते हैं आप कितना बढ़िया जुगाड़ किया हुआ, ये देखिए आप, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो इसको निकाल के सारे निकाल लेता हूँ मैं एक साथ, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम किया हुआ ये। तो इनको भी निकाल के मैं रख देता हूँ यहाँ पे, इनको अच्छी जगह पे। अब बात करते हैं, पहले ये मेरे को लग रहा है ये जो हमने लगाया ये इसको थोड़ा साइड करना पड़ेगा, ये वाला स्क्रू खोलते हैं। चलो पहले अच्छे वाला खोल लेते हैं, इसको ऐसा लगाया और बस ये, तो कुछ भी नहीं है इसको इंस्टॉल करने के लिए गाइस, आप देख सकते हैं ये आराम से खुल गया, ये देखिए
और जब आप इसको वापस इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा रिकमेंड कि आप कोई सा भी नट बॉल एक ही टाइम पे ना कसें, सारों को पहले थोड़ा थोड़ा कस लें। पर ये काफ़ी हार्ड सा था बट ये फिर भी खुल गया। ये देख सकते हैं हमने फाइनली इसको जो स्टॉक वाला आपका वाइज़र है निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब इस पर लगाएंगे हम ये दूसरा वाइज़र लगाएंगे इस पर। तो दूसरा वाइज़र लगाने से पहले ये देखेंगे कि था कैसे, यहाँ पे थोड़ा हिलसा गया है इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू। जिनको भी हम पहले एडजस्ट करते हैं जहाँ पे था, ये देखिए मैंने बिल्कुल वहीं पर ला दिया है। क्योंकि यही असली वाला है, बट ये तो शायद अभी चलो आ भी जाता, इसका देखेंगे हम क्या बनता है ये। अब ये जो आपका अभी हमने मंगाया बबल वाइज़र, इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि ये कैसा फिट होता है। और ये फाइनली आप देख सकते हैं हमने बबल वाइज़र को फिट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो अब कैसा लग रहा है, और हमने पहले दिखाया था कि जो स्टॉक वाला जो इसका वाइज़र था उसके साथ इसकी कैसी लुक आ रही थी, और अब आप देख सकते हैं पूरी बीस्ट वाली जो फीलिंग है वाइक लगती है पूरी, आप आगे से भी देख सकते हैं। तो ये था आपका बबल वाइज़र की अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। देख सकते हैं आप क्या मस्त लुक आ रही है।